हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर पाइथन के ऊपर एक मल्टीपल कंडीशन देखने वाले हैं। आइए देखते हैं वो कंडीशन है क्या। यहां पर सबसे पहले न्यू पेज लेंगे हम, तो यहां से चल करके न्यू पेज पे क्लिक करते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं। यहां पर वो व्हाइल लूप लगा करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए यहां पर ए में क्या है, ए में जीरो इनिशियलाइज है। शुरुआती दौर में ए में क्या इनिशियलाइज है, यहां पर लिख देता हूं इनिशियलाइज जीरो। यहां पर वाइल कीवर्ड यानी वाइल लूप लगाया गया है और ए इज लेस देन थ्री यानी जीरो से स्टार्ट होगा, वन टू थ्री, थ्री टाइम ये प्रिंट होना चाहिए। यहां पे इंक्रीमेंट भी करवा दिया गया है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर थ्री टाइम, अब देखिए चूंकि प्रिंट में लिखा गया है हेलो, तो थ्री टाइम हेलो प्रिंट होना चाहिए। तो इसको एक बार चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां से इसको सेव करेंगे और सेव करके देखेंगे, यहां पर डॉट पी वाई लगाएंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए यहां पर तीन बार हेलो प्रिंट हो रहा है, लेकिन क्या होगा अगर हम कंडीशन चेंज करें। देखिए यहां पे कंडीशन चेंज कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं फाइव कर देता हूं, फाइव ध्यान दीजिएगा, फाइव किया है तो ये कितनी बार प्रिंट होगा। यहां पर इसको चला के देखते हैं, जैसे यहां पर ये देख सकते हैं, यहां पर एक दो तीन चार पांच, पांच बार ये प्रिंट हो रहा है। देख लीजिए यहां पर कितनी बार प्रिंट हो रहा है, पांच बार, ठीक है। अगर मैं यहां पर इक्वल टू भी कर देता हूं तो क्या होगा, इक्वल टू, तो इक्वल टू करने पर क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रिजल्ट हमारा आया हुआ है। मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए ये छह बार प्रिंट होगा क्योंकि इक्वल टू की भी बात आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है व्हाइल ए इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन तो है लेकिन इक्वल टू भी है, इक्वल टू फाइव, यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम तो चलेगा ही, लेकिन चूंकि इक्वल टू भी है तो जीरो से स्टार्ट होगा और फाइव टाइम चलेगा, ठीक है। तो जीरो वन हो जाएगा, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ऐसे करके ये जीरो वन हो जाएगा, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो सिक्स हो गया ना, इस तरीके से ये चलेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी।